प्रदेश में सर्दी का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। बीते करीब एक सप्ताह से प्रदेश में दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जहां बीती रात प्रदेश में लगभग सभी जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, तो वहीं दिन का तापमान भी प्रदेश के करीब सभी जिलों में 25 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर में बीती रात का तापमान 14.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार प्रदेश में मौसम पूरी तरीके से शुष्क बना हुआ है। हालांकि प्रदेश में एक कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना हुआ है, जिसका आंशिक असर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों और आसपास के भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। अन्य सभी क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम शुष्क बना रहने के चलते आगामी दिनों के तापमान में 2-3 डिग्री तक और बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। राजस्थान में आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की सबसे पहले आज वर्तमान परिस्थिति पर एक नजर डालें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, यानी एक कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के उत्तरी भागों में मेघ गर्जन और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। हालांकि इस सिस्टम का असर केवल नॉर्दर्न पार्ट्स यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर और आसपास के जिलों में ही देखने को मिलेगा।